महज 3 दिन में रजनीकांत की काला ने बनाया 100 करोड़ की कमाई का रिकॉर्ड। रजनीकांत की फिल्म काला ने विश्व भर में महज 3 दिनों में 100 करोड़ की कलेक्शन कर ली है। इस फिल्म का न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में फैंस स्वागत कर रहे हैं और इसका नतीजा अब इसके वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से देखा जा सकता है। हालांकि कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन पर कोई खास कलेक्शन नहीं की थी, लेकिन इस फिल्म ने अपने रिलीज के दूसरे और तीसरे दिन से कमाई में बढ़ोतरी दर्ज की। इस फिल्म ने केवल चेन्नई में 4.9 करोड़ की कमाई की है। ये फिल्म इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचा रही है। फिल्म ने अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर 6.83 करोड़ की कमाई की है। DNA की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म ऑस्ट्रेलिया में पद्मावत के बाद अब दूसरी हाईएस्ट ओपनर फिल्म बनकर उभरी है। साथ ही इस फिल्म ने अपने म्यूजिक और सेटेलाइट राइट्स से ही 230 करोड़ कमाए लिए हैं। इस फिल्म में रजनीकांत एक गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन यहाँ वो गरीबों के लिए मसीहा के रूप में नजर आ रहे हैं। साथ ही फिल्म में नाना पाटेकर एक भ्रष्ट नेता का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म में हुमा कुरैशी ने भी काम किया है। इस फिल्म का निर्देशन परंजीत ने किया है।